हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। फिलहाल काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा व्यस्त था, व्यस्त होने के कारण वीडियो नहीं शूट कर पा रहा था। तो आज फाइनली मुझे टाइम मिला वीडियो शूट करने के लिए, और अभी भी मुझे टाइम नहीं, अभी भी एक्चुअली मैं जा रहा हूँ कहीं पर और मैं अभी तुरंत निकल रहा हूँ क्योंकि अभी भी मुझे टाइम नहीं आया। कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा व्यस्त चल रहा हूँ इसलिए वीडियो नहीं शूट कर पा रहा हूँ। सो अभी फिर मैं निकल रहा हूँ, और निकलने के बाद बताता हूँ मैं आगे कि मैं क्यों बिजी था। तो हे गाइस, हम निकल चुके हैं जहाँ मुझे जाना है। एक्चुअली लेट भी हो रहा था, ठीक है। तो मैंने बताया अभी कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं शूट कर पा रहा हूँ। उसका रीज़न है, रीज़न ये है कि मैं कुछ अलग ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा था। गाइस, वो प्लेटफॉर्म क्या है और उस पर क्या काम होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हो, ऐसा प्लेटफॉर्म है। तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज़, मैं जा रहा हूँ गांव अपने, अभी मैं रास्ते में हूँ, लखनऊ से निकल चुका हूँ। ओके, शाम हो गई, इसलिए मैं 4 बजे लखनऊ से निकला और अभी बज रहा है 5:30। जानते हो ठंडी का मौसम और शाम हो जाती है। तो गाइज़, मैं फैज़ाबाद पहुँच चुका हूँ, फैज़ाबाद सिटी पहुँच चुका हूँ। अभी जाना है शॉप पर, उसके बाद वहाँ से निकलना है घर के लिए। पहले जाता हूँ मैं शॉप पर, ठीक है। और जैसा कि देख रहे हो, ये मैं अभी फैज़ाबाद में एंट्री कर रहा हूँ। मतलब यार, मैं 4 बजे निकला और अभी टाइम जो हो रहा है वो 7 बज रहा है। मतलब नॉन स्टॉप मैं बाइक चलाया हूँ, फिर भी यार मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है आने में। तो ये जैसा देख रहे हो, ये अपना सिटी है, अपना शहर है, अपना फैज़ाबाद है। गाइस, कहते हैं ना कि यार अपना शहर अपना होता है, अपना गाँव अपना होता है, अपना घर अपना होता है। तो ये अपना है, यहाँ आने के बाद लगता है कि हाँ हम अपने शहर में हैं, कुछ दिखता है यहाँ पर। क्योंकि यार अपना शहर अपना होता है, और दीपावली आ रही है तो मुझे फैज़ाबाद सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी का जो माहौल है यहाँ का, नाइट हो चुकी है, 7 बज रहे हैं रात में। देख रहे हो चारों तरफ, मतलब कि अच्छे से लाइट वगैरह लगी हुई है, सजाया गया है। बिकॉज यहाँ पे दुकानें भी लगी हुई हैं, दीपावली का त्यौहार आ रहा है एक दिन बाद। देख रहे हो चारों तरफ पूरा माहौल एकदम तगड़ा बना हुआ है, लाइटों का त्यौहार है, माहौल बना हुआ लाइटों वाला। इस टाइम यार यहाँ भी बहुत भीड़ हो जाती है, एकदम बहुत ट्रैफिक हो जाती है इस टाइम। तो मतलब बहुत भीड़ हो जाती है इस टाइम यहाँ पर, और त्यौहार भी है तो लोग निकले हैं ख़रीदारी करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, भीड़ तो होना होना है रोड पे, ठीक है। तो गाइस, क्या हुआ कि हम घर पहुंच गए हैं। एक्चुअली यार रात में 11 बज गई है, 10 बजे मैं घर पहुंचा और अभी मैं घर पे हूँ। खाना पीना खा लिया, कपड़े चेंज कर लिया, एक्चुअली मैं बैठा हूँ कावेरी के स्टेट रूम में, और कावेरी बगल बैठ के बगैती कर रही है ना। अभी कावेरी से मिलाते हैं। और कल ये कावेरी का है स्टडी रूम, ड्रीम आईएस। ये मैं मेरी पिक है, मोटिवेशन मिलता है इनको मुझे देख के। ये शीशे भी लगे हुए सामने, शीशा उसे देख देख के पढ़ाई होती है। कावेरी एक्सपेरिमेंट भी करती है, ये पत्थर उत्थर कहाँ कहाँ से लेके आई, खोज करके लेके आई है उसको, बहुत दूर दूर से, मतलब जंगलों से पहाड़ों में जा जाके खोज करके पत्थर लेके आई है, एक से एक पत्थर लेके आई कावेरी जी। मतलब ये पत्थर उत्थर यहाँ पे नहीं मिलते हैं, बहुत दूर दूर मिलते हैं, जंगलों में जाती हैं, पहाड़ों में जाती हैं, खोज करते हैं, उसके बाद लेके आती हैं। क्योंकि ड्रीम आई एस, क्योंकि ड्रीम आई एस है इनका, तो ये पत्थर उत्थर का भी ये खोज करती हैं कावेरी। तो इसको लेके आती हैं, इसका चूड़ा बनाती हैं। मिट्टी है, समझे, मिट्टी के बारे में पढ़ना है। ये कावेरी चूड़ा बनाती हैं, कावेरी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती हैं। और देख रहे हो ये सारी चीज़ें, जैसे एक वैद्य की दवा नहीं होती है, जो वैद्य होते हो दवा वगैरह बनाते हैं, चूड़ा पीस वीस रखे रहता है, तो सेम कावेरी या कुछ ऐसे ही सीन है। तो ये पत्थर वगैरह लेके आती हैं कावेरी, जंगल वंगल में जाके ढूंढती रहती हैं, और मतलब कि
डिस्कवरी कावेरी शर्मा है ना, डिस्कवर करती रहती हैं, ठीक है। तो साहिजी जी इकट्ठा करके लेके आई हैं, और ये कावेरी का कुछ ये कैंची उची रखी हैं, इससे कुछ प्रोजेक्ट वगैरह अपना तैयार करती हैं, पेंटिंग वगैरह भी करती हैं कावेरी, मतलब कि ऑलराउंडर कावेरी हैं, और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करती हैं। और ये ड्रीम कावेरी का आईएएस ड्रीम है, ये कावेरी कुछ रूटीन है डेली का, ये आप लोग देख लो यार, ये कावेरी कुछ डेली रूटीन है, और ये सपना जो है आईएएस का, और ये मोटिवेशन स्पीकर रोहित शर्मा है, इनको देख देख कावेरी मोटिवेट होती है, ठीक है। और जरा ये फाइनली ये मैं जिसकी बात कर रहा हूँ कावेरी, ये भी स्टडी कर रही है, गांधी वांधी जी बने हुए हैं इसमें, तो ये हैं कावेरी शर्मा, आई एस कावेरी शर्मा। तो आई होप यू आर फाइन। तो इंग्लैंड से आई है फिलहाल कावेरी शर्मा, है ना, हिंदी में बात नहीं करती हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश, तो फिलहाल ऐसी बात नहीं है, हम हिंदी बात करते हैं। अच्छा हिंदी भी बात कर लेती हो, तो क्या सपना है कावेरी जी आपका? मेरा सपना आईएएस बनना है। आईएएस बनना है, आईएएस बन के क्या करोगे? लोगों की सेवा करना है। लोगों की सेवा करना है कि अपनी जेब गर्म करना है? अपने जेब गर्म करने से मतलब हम तो कोई भी वर्क कर सकते हैं। अच्छा ये बात है, लेकिन मैं आईएएस बन के अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ और लोगों की सेवा करना। मैं वो चाहते थे कि कुछ भी बने, वो मतलब कि अब ये नहीं कह रहे थे, मेरे पे फोर्स नहीं कर रहे थे कि तुम यही बनो, लेकिन वो कुछ चाहते थे कि हम बने। तो और क्या, कि मैंने उनका सपना पूरा भी किया है, इस बार मैंने अपने क्लास में टॉप किया फर्स्ट टाइम। तो और अभी क्या कर रही हो, मतलब हाँ क्या कर रही हो अभी? अभी तो स्टडी कर रही। किस क्लास में हो इस बार? एट। इस बार एट, एट में कितनी रैंक आई है तुम्हारी? आई मीन हाफ ईयरली का फर्स्ट रैंक आई हो, तो कावेरी जो है फर्स्ट रैंक आई है कावेरी का एट क्लास में। तो अभी ये सब चीजें क्या है कावेरी, जरा इसके बारे में बताओगी आप? ये सारी मिट्टी है जिसके बारे में हमको पढ़ाई करनी है अभी। अच्छा इसके बारे में पढ़ाई करनी है तुमको अभी, मतलब किस लिए लेके आई हो इसको? इसके बारे में जानने के लिए लेके आए हैं। अच्छा इसमें क्या जानोगे? मतलब कि इसलिए सारी मिट्टियाँ अलग अलग है, ज्यादा अंदर से निकली है इसलिए दानेदार है, ये ऊपर की मतलब की धूप ज्यादा पड़ती है तो सूख जाती है उस तरह की है, और ये खेत की मिट्टी है। हाँ और ये वो का रोड के साइड की मिट्टी है। अच्छा ये चार मिट्टियां हैं और चार प्रकार की हैं। अच्छा एक और है इसमें, ये क्या चीज है? ये भी हम वहाँ पे मतलब कि अंदर से भी निकली है मिट्टी। अच्छा तो इसका क्या करोगी? इसके बारे में जानेंगे मतलब कि कौन सी मिट्टी है, कैसी होती है, और इसकी फर्टिलिटी जिसकी मतलब की कैपेबिलिटी है वो कैसी होती है, ये सब जानना हमको। अच्छा तो इसको अभी तुम सर्च करोगी? हाँ। है ना, तो सर्च को किसने बताया ये सब करने के लिए तुम्हें, तो जरा ये भी बता दो, मतलब ये सारी दिमाग ये थॉट आते कहाँ से हैं तुमको ये सब करने के लिए, ये सब जो थॉट तुम्हारा ये सब ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट जो करने का थॉट आता है वो कहाँ से आता है तुमको? मैं थॉट तो कहीं किसी ने देता नहीं, बस मेरा मन कहता है तुम करते हैं, क्योंकि इससे एक्टिविटी लर्निंग होती है, और जो मतलब कि बच्चे थ्योरी नहीं समझ पाते हैं वो प्रैक्टिकली अच्छे समझ पाते हैं। Yeah. तो हम प्रैक्टिकली गौर करना चाहते हैं ताकि हम मतलब कि इसको अच्छी तरीके से लंबे समय तक याद रख सकें। या फिलहाल अभी तुम तो एट क्लास में हो, तो एट क्लास में इतनी सारी मतलब आइडियाज कहाँ से आते हैं तुमको, मतलब कहीं देखती हो या कोई बताता है, कैसे आता है ये सब आइडिया, मुझे ये सब चीजें खोज करनी है, ऐसे देखना है, कैसे आता है? मेरा मन कहता है तो हम करने शुरू कर देते हैं। अच्छा सब मन करता है तो करना स्टार्ट कर देते हो। और क्या थिंकिंग है, और क्या हॉबीज है तुम्हारी? जरा ये सब रखी हो, पेंटिंग वेंटिंग कलर्स वगैरह रखी हो? हाँ, ये सब भी पेंटिंग वगैरह करती हो क्या? हाँ पेंटिंग करना मेरी बहुत मतलब कि सबसे ज्यादा मोस्ट मेरी पेंटिंग करना हॉबी है, सिंगिंग करना भी है और डांसिंग भी है, प्लेइंग ग्रुप एक्टिविटीज डिस्कवरीज ये सारे मेरे मतलब की हॉबीज है। अच्छा तुम्हारी हॉबीज में तो डिस्कवरी हमको दिख रहा है, पेंटिंग दिख रहा है, एंड स्टडी भी अच्छी खासी दिख रही है लग रहा है, पढ़ाई भी कर रही हूँ, पढ़ाई जा रही है, अभी रात में 12 बज रहा है तो अभी भी पढ़ाई हो नहीं रही, आप ब्लॉग कर रहे हैं तो अभी भी पढ़ाई मतलब पढ़ाई मूड में हो, मैं यहाँ बना रहा हूँ तो ये चीज तो मुझे दिख रहा है, लेकिन सिंगिंग बता रही हो, डांसिंग बता रही हो, ये सब चीजें मुझे किसी भी तरीके से नहीं दिख रही है कि हाँ सिंगिंग भी तुम्हारे अंदर है या डांसिंग भी तुम्हारी हॉबी है, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है, बस मुझे ये दिख रहा है कि हाँ स्टडी तुम्हारी ठीक ठाक है और ये डिस्कवरी वगैरह ये सारी चीजें।
जब अकेले होते हैं या फिर खुश होते हैं तब सिंग करते हैं। अच्छा खुश होती हो तब हाँ सिंगिंग करती हो। हाँ अच्छा मैंने तो सुना नहीं था, जरा सुनाओगे मेरे ऑडियंस को वैसे कुछ? चलो अभी मैं तबियत नहीं ठीक है तो फिर कोई बाद नहीं, बताती हूँ, फिलहाल नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो वीडियो में। में बताएंगे। अच्छा तो बता दो फिर, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो बताएंगे। हाँ गाइस जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें सिंग भी करेंगे और फाइनली डांस आपने देखा भी। है कावेरी की हॉबीज क्या क्या है, और कावेरी के हम लोग की ड्रीम्स क्या है सारी, ठीक है, और करना क्या चाहती है, करके आ रही है, ये सारी चीजें कावेरी रहती है, करती रहती है। मतलब पढ़ने में भी ठीक ठाक है, ऐसी बात नहीं है, ठीक, मतलब रैंक भी अच्छा लाती है, पढ़ती है, और माइंडेड भी है, इंटेलिजेंट भी है, ठीक है, तो पढ़ाई वढ़ाई में दिमाग उमाग लगता है इसका अभी तो, ठीक। और ये सारी आगे चीजें, क्या कर सकते ये सब लेके आई है, इसको भी, इसमें भी डिस्कवरी करेगी क्या कैसे, ठीक है। मैं सोचता रहा तो यार इसका दिमाग कहाँ से आता है। चलो कोई नहीं, क्योंकि अच्छी बात है। दिमाग होना चाहिए और एक्स्ट्रा सोचना भी चाहिए कि एक्स्ट्रा में क्या करना है, ठीक है। तो कावेरी का बहुत जल्दी एक चैनल आने वाला है यूट्यूब पे, तो आप लोग उसको सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और आगे फॉरवर्ड भी करिएगा। बहुत जल्द चैनल आने वाला है कावेरी का, तो उसमें कावेरी अपना सारी चीज़ें हॉबीज वगैरह दिखाएगी क्या है कैसे, और मतलब जो भी करेगी इसकी एक्टिविटी जो होगी वो आप लोगों तक तो जरूर तो पहुंचेगी। मतलब कहने का मतलब है यार, एक बच्चे हैं तो बच्चों को अच्छी खासी डायरेक्शन में जब डालोगे ना, तो बच्चे ऑटोमेटिक वो अच्छे डायरेक्शन में जाएंगे और स्टडी करेंगे। और मेन चीज़ ये होती है कि जो बच्चे अपने मन से कुछ करने की सोच रखते हैं वो आगे जरूर बढ़ते हैं, सख्त जरूर होते हैं। और इसीलिए अगर मैं बच्चा ऐसा कोई है इंटेलिजेंट, ठीक है, स्टडी कर रहा है और उसका माइंड कुछ लगता है काम करने के लिए, तो उसको फुल सपोर्ट करो आप लोग, ठीक है, चाहे वो आपके घर का हो या कोई भी हो। तो बच्चों को अभी एक्टिविटी में रखो, एक्टिविटी जोन में रखो, और अच्छे खासे उसको सपोर्ट करो ताकि ये बच्चे आगे बढ़ें और खुद से एक्टिविटी दिखाएं, ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसा भी लगा हो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हाँ अच्छा है या कैसा है, जैसा जो फीडबैक भी है, मिले। जैसा भी है, आप कमेंट जरूर करिएगा। मैं इसी बताऊंगा, बच्चों से ड्रीम पूछिए क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी हो बच्चों को वही करने दीजिए, ठीक है। फोर्स मत करो, नहीं यार ये बनना है वो करना है, ऐसा कुछ नहीं। जो बच्चों की रुचि होगी अगर वही बच्चे वो चीज़ करेंगे ना, तो उनको मज़ा भी आए करने में और इंटरेस्ट भी होगा। जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मेन चीज़ होता है इंटरेस्ट, कि मैं जो करने जा रहा हूँ इसमें मुझे इंटरेस्ट है कि नहीं, इंटरेस्ट होगा तो एक्टिविटी भी रहेगी। ओके, तो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन मेरा बिजनेस लिंक है, बिजनेस लिंक पे क्लिक करो अगर आप भी घर बैठे अर्निंग करना चाहते हो तो, ठीक है। तो वहाँ पे जाओ, डिस्क्रिप्शन चेक करो, मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, वहाँ पे जाके देख सकते हो, स्टोरी चेक करो, बायो चेक करो, सब कुछ चेक करो, प्रोफाइल चेक करो मेरी, और फटाफट घर बैठे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप सोच रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया जाए, अभी तक स्टार्ट नहीं करें, तो आप लोगों के लिए बेस्ट मौका है, बेस्ट चांस है, आप स्टार्ट कर सकते हो। अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ पे लिंक पे लिख करिए, अपना फॉर्म फिल करिए, ठीक है, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। बाकी मैं आपको गाइड करता रहूँगा क्या करना है कैसे करना है। आप ग्रुप लिंक है, ग्रुप ज्वाइन करो, ओके, और मुझे डीएम करो, मैसेज करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और जो भी जैसा भी वीडियो लगा हो, रात 12 बज गई है, अब छत के सोना भी है, तो मिलते हैं सुबह दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।